आप देख रहे हैं ओपिनियन इंडिया का। आंध्र प्रदेश ने अपने चिकित्सा बुनियादी ढांचे के विकास में कई चुनौतियों का सामना किया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने कम समय में 17 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस, ट्रॉमा सुविधाएं जैसी फैसिलिटीज प्रदेश को दी। जी हां, कैंसर देखभाल केंद्र विकसित किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए राज्य के पास अपने स्वास्थ्य संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने की दिशा में कई योजनाएं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में दी जाने वाली स्वास्थ्य प्रणाली को देश में हो रहे डिजिटल परिवर्तन के आधार पर डिजाइन कर चिकित्सा सुविधाओं को एक विशेष रूप दिया है, जिससे राज्य में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के इकोसिस्टम के निर्माण पर काम चल रहा है। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन 3 और 4 मार्च को कर रही है। इस समिट का विषय होगा एडवांटेज आंध्र प्रदेश, जो मुख्य रूप से हेल्थ केयर एंड मेडिकल इक्विपमेंट पर भी केंद्रित होगा। आंध्र प्रदेश को स्वास्थ्य और कल्याण के संचालनों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की उपलब्धि हासिल हुई है। साथ ही राज्य को टेली कंसल्टेशन में दूसरी रैंक हासिल करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश 4 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक परिवर्तनकारी मॉडल विकसित कर रहा है, और वो 4 पहलू हैं अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य में सभी को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए डॉक्टर वाईएसआर आरोग्यश्री योजना भी शुरू की है। डॉक्टर वाईएसआर आरोग्यश्री के जरिए राज्य में मौजूद बीपीएल परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। आंध्र प्रदेश में सरकार 16 हेल्थ हब बनाने पर भी काम कर रही है, जो अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपचार के साथ निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। राज्य में कई मेडटेक कंपनियां मौजूद हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जरिए विशाखापट्टनम में सरकार की मदद से बनाए गए आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में काम करती हैं, जिसमें 250 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स 25,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हैं।